हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Vivo की तरफ से भारत के बाजार में लॉन्च होने वाली Vivo की एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के बारे में, और वो है दोस्तों Vivo X70 सीरीज। दोस्तों Vivo ने कुछ दिन पहले ही चाइना में Vivo X70 सीरीज को लॉन्च किया था, और दोस्तों इस सीरीज के तहत 3 स्मार्टफोनों को लॉन्च किया गया था, और वो 3 स्मार्टफोन है दोस्तों Vivo X70, Vivo X70 Pro और Vivo X70 Pro Plus स्मार्टफोन, जो दोस्तों काफी आकर्षक लुक, शानदार कैमरा और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। अब दोस्तों कंपनी ने Vivo X70 सीरीज को भारत के बाजार में लॉन्च करने की तैयारी भी कर दी है, और 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे Vivo X70 सीरीज को भारत के बाजार में लॉन्च किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं Vivo X70 सीरीज के इन तीनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो हे गाइस, मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैमचूटेक। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Vivo X70 Pro Plus स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड FanTouch OS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.78 इंच की सिंगल पंच होल क्वाड फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। यहां पर दोस्तों कंपनी ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में क्वाडकॉम के सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 888 प्लस चिपसेट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो दोस्तों एक ऑलराउंडर प्रोसेसर माना जाता है। कैमरे की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें कंपनी ने दोस्तों 15MP का प्राइमरी सेंसर दिया हुआ है, जहां पर सैमसंग के GN1 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। वही दोस्तों 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है, जहां पर सोनी IMX598 सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। वही दोस्तों 12MP का पोर्ट्रेट और 8MP का टेलीफोटो लेंस आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको 32MP का कैमरा सेटअप मिल जाएगा। पावर बैकअप के लिए कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में 4500mAh की दमदार बैटरी दी है, जो दोस्तों 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। वही दोस्तों 50W फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। वेरिएंट की बात करें तो कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है, जिसका पहला वेरिएंट दोस्तों 8GB रैम और 128GB फोन स्टोरेज हो सकता है। वही दोस्तों इस स्मार्टफोन का दूसरा वेरिएंट 12GB रैम और 256GB फोन स्टोरेज हो सकता है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों Vivo X70 Pro Plus स्मार्टफोन आपको भारतीय बाजार में 70,000 रुपए के आसपास देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों Vivo X70 Pro स्मार्टफोन की प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 बेस्ड FanTouch OS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 6.56 इंच की सिंगल पंच होल फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, जो दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने दोस्तों यहां पर Exynos के 1080 चिपसेट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो दोस्तों एक पावरफुल ऑलराउंडर चिपसेट मानी जाती है। यहां पर दोस्तों आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जिसमें दोस्तों 50MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, जबकि दोस्तों 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड और 12MP का पोर्ट्रेट मोड कंपनी ने दिया हुआ है, जबकि दोस्तों 8MP का टेलीफोटो लेंस आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको 32MP का कैमरा सेटअप मिल जाएगा। पावर बैकअप के लिए कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में 4450mAh की दमदार बैटरी दी है, जो दोस्तों 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगी। वेरिएंट की बात करें तो कंपनी दोस्तों इस स्मार्टफोन को 8GB और 12GB के 2 रैम वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको 128, 256 और 512GB स्टोरेज की वेरिएंट में देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो दोस्तों Vivo X70 Pro स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस 49,999 रुपये हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों Vivo X70 स्मार्टफोन की प्राइस और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यह स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 11 बेस्ड FanTouch OS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला है। यहाँ पर कंपनी ने दोस्तों 6.56 इंच की सिंगल पंच होल फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी है, जो दोस्तों 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 1200 चिपसेट का इस्तेमाल किया हुआ है, जो दोस्तों एक ऑलराउंडर प्रोसेसर माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली टास्किंग करनी हो, मल्टी टास्किंग करनी हो या फिर आप गेमर है तो भी दोस्तों आपको एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें दोस्तों 50MP का प्राइमरी सेंसर होने वाला है, जबकि दोस्तों 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल मोड और 12MP का पोर्ट्रेट मोड कंपनी ने इस स्मार्टफोन में दिया हुआ है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको 32MP का कैमरा सेटअप मिल जाएगा। पावर बैकअप के लिए कंपनी ने दोस्तों इस स्मार्टफोन में 4400mAh की दमदार बैटरी दी है,
जो दोस्तों 44 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों ये फोन आपको 8GB और 12GB के दो रैम में देखने को मिल सकता है। वही दोस्तों स्टोरेज की बात करें तो यह फोन आपको 128 और 256GB के दो स्टोरेज वेरिएंट में स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो भारतीय बाजार में Vivo X70 की स्टार्टिंग प्राइस 42,000 rupees के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।